द वॉरियर क्वीन ऑफ झांसी फिल्म 19 नवंबर को रिलीज होने वाली है और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रही हैं स्वाति भिसे। इस फिल्म में देविका भिसे रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभा रही हैं। द वॉरियर क्वीन ऑफ झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की कहानी को दिखाया गया है। इसके साथ ही स्वाति भिसे ने फिल्म के दौरान अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया और अपने कैरेक्टर को लेकर भी बातें की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनका कैरेक्टर कितना चैलेंजिंग था, लेकिन इस कैरेक्टर को करने में बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके साथ ही उन्होंने अपनी फिल्म को लेकर भी बातें की। फिल्म की शूटिंग कौन सी जगह हुई ये भी बताया और इसके साथ उन्होंने क्या क्या कहा आइए आपको उन्हीं से मिलवाते हैं। आपको कौन सा कॉम्प्लीमेंट मिला? हमें कॉम्प्लीमेंट सबसे अच्छा मिला अपनी एक्चुअली बेटी से, बिकॉज शी इज़ माई वर्स्ट क्रिटिक। सो शी डिड से कि मॉम यू डिड इट। सो आई सेड चलो, एक तो अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला है एंड आई थिंक शील टेल यू व्हाट हर बेस्ट कॉम्प्लीमेंट वॉज। आई हैव बीन गेटिंग नाइस थिंग्स सेड अबाउट मी अबाउट द एक्टिंग व्हिच हैज बीन वेरी काइंड। We tested it at a number of places through Screen Engine, which is a completely objective company that puts together different reviews from different demographics. And so I have been getting positive feedback on that as well. I think one of your nicest compliments about you from a couple who I admire are the casting directors in London, the Hubbards. And they said they were shocked that, they said we expected Devika to be good, we did not expect her to be so good. So for me it was very nice to hear that. But I think the most positive things for me is hearing from Indians and Hindi speakers and Marathi speakers that I have done a good job on. We've been happy. Some of them have said, "Na, he apli mulgi hai," you know. So I'm happy, you know, as long as the film gets the right audience to watch it, and audience aur prekshakon ko jo bhi dekhna hai, unko is mahan veerta ki kahani unke liye real story banegi, kyunki wo thi real story, to hame khushi hai. बहुत साल से हम लोग ने इसमें बहुत मेहनत की और फर्स्ट फिल्म डायरेक्ट करने के लिए एक साल तो मैं डायरेक्ट नहीं कर रही थी, तो मैं उसको सब तैयारी कर रही थी और मैंने कहा था कि मैं एक ब्रिटिश डायरेक्टर को लाऊंगी, जैसे गांधी बनाई थी, तो मैंने कहा ये मैं लिखूंगी और देविका जो लिखेगी वो उसका वेस्टर्न दृष्टिकोण होगा, ये मेरा हिंदुस्तानी दृष्टिकोण और रिसर्च मेरा था। तो मैंने कहा इसके लिए कहानी तो मैं लिख रही हूँ, प्रोड्यूस मैं कर लूँगी, मैं सब कॉस्ट्यूम डिटेलिंग कर लूँगी, ज्वेलरी कर लूँगी, डायरेक्टर हम लोग, ये मेरी एक फेवरेट फीमेल डायरेक्टर है अमा असांटे, तो उसने एक बेल पिक्चर बनाई थी, तो मैंने देविका को कहा हम उसको लाएँगे। पर जैसे एक साल गुज़रा और हम देखने लगे कि ये बहुत असंभव होगा किसी के लिए कि बाहर से आके ये डिटेलिंग हिंदुस्तानी जो पिकअप हम लोग ने लिखा है जिस दृष्टिकोण से, तो उस टाइम सभी जगहों से जो प्रेशर आया कि आप ही डायरेक्ट कर लीजिए, तो तब मैंने सोचा हाँ यू नो मैं ही कर लेती हूँ। और आई थिंक एक साल उसमें चला गया, दूसरा साल तो हम लोग प्री प्रोडक्शन जो कर रहे थे, चैलेंज एक बहुत बड़ा था, तीन देशों में जो करना है शूटिंग, हिंदुस्तान में जो किया, राजस्थान में, तो इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, तब गए हम लोग इंग्लैंड में और उधर बहुत ठंड, और हम लोग तो नेब्सवर्थ हाउस जहाँ हमने शूटिंग किया उधर तो हम लोग अंदर ग्लव्स पहन के सब शॉल वॉल पहन के बैठे थे क्योंकि बारिश और ठंड। उधर से मोरक्को गए तो दिन को यू नो डेज़र्ट है तो दिन को बहुत गर्मी और रात को इतनी ठंड, तो ये तो सब चैलेंजेस थे। उधर के घोड़े थोड़े बड़े थे, देविका तो हॉर्स राइडिंग करती है तो उसने इधर मारवाड़ी घोड़े थे, उधर के घोड़े मोरक्कन घोड़े इतने बड़े पर बहुत ही स्वीट थे, तो ये चैलेंजेस
थे, तीन देश, तीन क्लाइमेट्स, तीन लाइन प्रोड्यूसर्स, और क्या कहूँ, और 250 का क्रू, तो और 8 हफ्ते में हमने शूटिंग ख़त्म की, अक्टूबर में शुरू की एंड, और 9 तारीख दिसंबर को 217 में ख़त्म की। तो बहुत ही पैक्ड शेड्यूल था, 6 दिन का, 13 घंटे टर्न अराउंड टाइम, तो एक्टर्स को किसी को नखरे करने के लिए टाइम ही नहीं मिले, बेचारे सब बहुत मेहनत की, और जो शुरू से लिया वो एंड तक हम लोग एग्जैक्ट डेट पे ख़त्म किया पिक्चर। इट वाज़न्ट एज मच एज एन ऑफर इन दैट सेंस, आई थिंक व्हेन यू वर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड वी स्टार्टेड राइटिंग इट एंड थिंकिंग अबाउट इट एंड डूइंग ऑल दैट, आई वाज़ ऑलवेज going to play this part. I don't think you really had any other people in mind. Because bahut saal we had been training, you know, what you would have to do for the role. So it's not as if I woke up one day and got this script and said, oh wow, look, it's Rani Lakshmibai, how cool. Like, I've been involved in this whole process since when it started, when we were thinking about even doing this. So that's how it started. And so then through the writing and helping, you know, think about the different ways that we can tell this story and what angle, and the fact that it'll be a Hollywood film in England and telling it through 3 different languages and how to make sure that people in India don't find that you're explaining things that they already know, yet people in America need to be explained who she is, who the East India Company is, what Jhansi is, what the arrangement was at that time. So thinking through all of that and going through it was very helpful for me. And then while all of that was happening, I was continuing to horseback ride, learn how to do jumps, learn how to canter, learn how to gallop. I was doing martial arts as well of many Kaleri. Times with Gopa Kumarji, who, you know, is an absolute master from Kerala. I trained with him a number of times over the course of 3 years. So we started with the sword and shield and then graduated to the flexible sword, the Dan Patta, and continuing to do that over the years. So there wasn't ever a moment where I was approached with this role. I've kind of always been involved throughout. रिलीज़ तो मैंने नहीं की है, ये PVR कर रहे हैं और वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो उनको जैसे हम लोगों ने मैन हू न्यू इन्फिनिटी की थी तो वो भी इंग्लिश में ही की थी और आई थिंक तमिल में की थी, तो आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटर्स डिसाइड करते कि हमें ये पिक्चर क्यों बनाया, तो मुझे मेनली अमेरिकन ऑडियंस चाहिए था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर पिक्चर देखी या कैनेडा या इंग्लैंड या स्कॉटलैंड ऑडियंस है, पर मैक्सिमम आउटरीच हमें कहाँ ये कहानी बतानी थी तो अमेरिका, क्योंकि उसका सबसे लार्ज ऑडियंस है, तो वो मैंने उस दृष्टिकोण से बनाई। और ऑफ कोर्स मुझे इंडियन ऑडियंस चाहिए जो अपने बच्चों को 2 मिलियन से ज़्यादा लोग अमेरिका में भी हिंदुस्तानी है, कनाडा में है, तो वो सब बोलेंगे अपने बच्चों को कि ये देखो हमारी झांसी की रानी थी। पर इंडिया में अगर किसी ने बोला हमें हिंदी में करना है तो ज़रूर, पर उन्होंने सोचा कि अंग्रेज़ी और इंग्लिश मराठी में बननी चाहिए, तो हमने कहा ठीक है। तो हिंदी का डायलॉग है और उतनी अंग्रेज़ी आई थिंक आजकल आती है, यू नो एक्सेंट डिफ़िकल्ट हो सकता है कि जो ब्रिटिश बोलते हैं, क्योंकि मुझे भी कभी दिक्कत होती है बाहर के एक्सेंट सुनने में, पर अगर डिस्ट्रीब्यूटर बोले कि हिंदी में करो तो हम लोग कर लेंगे, पंजाबी में करो तो कर लेंगे, पर अभी तो मराठी में है और मेनली इंग्लिश में है। हाँ, मुझे तो बहुत खुशी है क्योंकि जब बनाई तो इतना सोचा नहीं, इतना ही सोचा कि ये कहानी कुछ जो बोलते हैं ना अंग्रेज़ी में, इसमें फ्लफ मत डालो, इतनी ज़ोरदार कहानी इस औरत की है तो इसमें मुझे कोई मसाला डालने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें ऑलरेडी इसने इतना मसाला अपने लाइफ में डाला है, तो मैं कौन होती हूँ उसमें और मिर्च मसाला डालने वाली। इनफैक्ट
इतनी चीज़ें, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि मैं कितने कैरेक्टर्स को और नहीं ला सकी, या उसने कितना यू नो ट्रेनिंग किया, क्योंकि 104 मिनट में मैं कितना बता सकती हूँ। तो ये एक है, और उतने उसने कितना प्रयास किया। ये एक औरत की कहानी है, और मैं इसको सिर्फ रानी के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि ये 19 साल की लड़की, औरत पर 19 साल की लड़की, 24 की उम्र से 19 साल तक क्या झगड़ झगड़ के उसने मिलाया। तो आजकल बहुत लोग बोलते हैं हाँ उसको तो वो कर सकती है, उसके पिता बड़े हैं, माँ बड़ी है, ये फलाना ढिमका बोलते हैं। भैया औरत को सोचना चाहिए, हर औरत को कुछ प्रॉब्लम होगा, सब आपको नहीं मालूम। जब आपको किसी के डिफ़िकल्टीज़ नहीं मालूम, तो हर औरत को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, बोलना चाहिए बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं तो बोलती हूँ सब वॉरियर्स हैं, न्यूयॉर्क में सबवे में चढ़ो तो वॉरियर्स हैं, यहाँ घर से बाहर निकलो तो तुम लोग, हम लोग सब वॉरियर्स हैं। तो इसीलिए Bollywood, there is not a lot of Indian content in America as of now. So we found out recently that this is the first ever Hollywood film with a female Indian lead, and an action film at that. So first ever Hollywood action film with a female Indian lead, or the first ever Hollywood period film about history with a female Indian lead. So none of these barriers have really been broken down yet. And so it's really special to be able to do that. It's yeah. Dusra, I think, you know, when they have, correct me if I'm wrong, African American films, so the African plays the part, Spanish, the Spaniards. Hamare Hindustan itne actors hai. तो हम लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है कि हमारी तो प्रियंका चोपड़ा जी उधर गई हैं, इतना उन्होंने काम किया है, पर इतने एक्टर्स हैं तो हमारे लीड एक्टर आज तक क्यों नहीं कोई हॉलीवुड में है जो ब्राउन एक्ट्रेस है? मैं तो यही एक प्रश्न पूछती हूँ। लीड, को लीड नहीं, को स्टार नहीं, को प्रोड्यूसर नहीं, को डायरेक्टर नहीं। मैं कहती हूँ हमारी एंजेलिना जोली उधर किधर है? सो यही सबको थोड़ा सोचना चाहिए कि इंडियन एक्टर्स को कहाँ भी इजी नहीं है, हमें अपना कंटेंट बनाना पड़ता है, हमें अपनी कहानियाँ बनानी पड़ती है, और हमें ऑडियंस को शेयर करके सिखाना है कि ये सिर्फ हमारे कंट्री में रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ झांसी में नहीं है, इसने जो करके दिखाया ये पूरी दुनिया को मालूम होना चाहिए और देखना चाहिए कि ये वंडर वुमन है। When you do a historical film like this, I think there is an incredible burden that you have, where you have to be as true to life as was possible. Obviously, because this was set in 1858, there is no video footage of the Rani, so you can't say, okay, this is how she walked, this is how she talked. So a lot of reading, research, that kind of thing, to make sure you do that correctly. But I believe because of the enormity of who she was and her character, and the stress I think that I felt trying to play this character, it really brought the tension to a place where I had to be my absolute best. I couldn't be not my absolute best. I had to really work incredibly hard, and I had to make sure that I wasn't lazy about any single aspect of it. Because even if you think about the horseback riding, if you're not perfect with that, you will fall off the horse and hurt yourself, right? With the dialect and the languages and the accents, if you're not perfect with that, you are opening yourself up to an entire country that then will say that you're not doing this iconic queen the justice that she deserves. So I think that was difficult. In Manu New Infinity, it was also a historic film. So Janki is someone who existed, and that's something that I had to take into my work as well, to really make sure that you're doing everything in your power to not
alter or change what actually happened and the history of it. And I think that's important. I think advantage एक दूसरा है. आप जैसे देख रही हैं देविका अमेरिकन है, पर अगर उसको हिंदुस्तानी कपड़े पहनाए तो वो 5 साल की उम्र से मैं उसको वो भरतनाट्यम करती है. मेरे साथ उन्होंने चिदंबरम में शास्त्रीय नृत्य भी किया है स्टेज पे. वो हिंदुस्तानी वोकल करती है, पंडित जसराज जी के शागिर्द से सीखी है 5 साल की उम्र से. तो वो जो जैसे इन्फिनिटी में अयंगार लड़की का चरित्र उन्होंने दिखाया है और किरदार किया है, तो उसी में उन्होंने जो मुग्ध नायिका भरतनाट्यम से जो अभिनय सीखते हैं टू कैरी द स्टोरी टू द ऑडियंस, या संस्कृत का जो श्लोक हम लोग बोलते हैं, तो ये सब इंडियन जो हम ओल्ड इंडियन हेरिटेज बोलते हैं, ये तो इनमें है. अभी उसको मोल्ड करके बाहर जैसे लाना है. तो मुझे इवन ये वो रानी चाहिए थी जो महाराष्ट्रियन दिखती है, तो वो सब कल्चरल हेल्प मुझे मिली क्योंकि उन्होंने बहुत सालों से मेरे साथ पढ़ी है शास्त्रीय नृत्य और संगीत. तो ये दोनों का बहुत महत्व था मेरे लिए कि नहीं तो आई डोंट थिंक वो कर सकती थी इंडियन रोल सिर्फ अगर अमेरिकन होती तो. मज़ा तो बहुत आया था. ये तो बीच में बोलती थी अच्छा तुम डायरेक्टर जैसे सोचो, माँ जैसे नहीं. ऐसे मैं डायरेक्टर ही सोच रही हूँ कि तुमसे घुड़सवार करके मेरा शॉट अच्छा आएगा, पर बेटी गिर गई तो ऐसे इंश्योरेंस मेरे मुझे प्रॉब्लम होगा ना. तो वो उसको बहुत करना था हॉर्स राइडिंग, क्योंकि जो उनको ट्रेन कर रहे थे वो भी तो बढ़ा के बता रहे थे अरे हमको कभी ऐसा एक्टर नहीं मिला है जो घुड़सवार इतना अच्छा करती है, तो तुम ही शॉट कर लो. मैंने कहा भैया मैंने स्टंट वूमन नहीं हायर की है, मुझे चाहिए कि वो सिर्फ एक्टिंग करे. पर वो प्रेशर डालती थी उसके साथ उनके सब ट्रेनर्स कि नहीं मैम वो शॉट शी कैन डू. ऐसा कर करके मैं तो बोलती थी कि लेट्स ब्रिंग मशीन हॉर्स, घोड़ा जो मशीन है ना. तो तब मैंने देखा, मैंने कहा ये तो शॉट नहीं ठीक आएगा क्योंकि सिर्फ मुझे ऐसा दिखा कि उसको इतना ही दिखाना पड़ेगा. तो मैंने कहा अच्छा देखते एक शॉट के लिए ओपन गैलपिंग करो एक. ऐसा कर करके हमने पूरे रियल हॉर्सेस थ्रू आउट द फिल्म यूज़ किए. कोई भी हॉर्स उतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए था. वी शुड हैव यूज्ड झूठ मूठ के हॉर्सेस, बट इतने सुंदर घोड़े हमें मिले मोरक्को में. वो भी सेट भी हमारा बहुत अच्छा था. वट इट वॉज शॉर्ट एट किंगडम ऑफ हेवन वॉज शॉर्ट है ना, रिडली स्कॉट का ये सब वही सेट पे एटलस स्टूडियो. तो इतने अच्छे सेट्स, इतने अच्छे स्टूडियोज, इतने सुंदर घोड़े, तो इतना सब मिल के ना थोड़ा डायरेक्टर और एक्टर ग्रीडी हो जाते हैं. तो हमने कहा कि चलो यही घोड़े यूज़ कर लेते हैं. तो देविका को बहुत राइडिंग करना पड़ा, हाथ पे भी बहुत छाले पड़ते थे क्योंकि वो गर्मी में धूप में दानपट्टा चलाना. तो वो भी हमें एक्साइटिंग था क्योंकि वो ब्रिटिश एक्टर्स बोलते थे ये क्या सॉर्ड है, हमने कभी देखा नहीं है. तो मैं गोपा कुमार जी को सेट पे बुलाती थी, मैंने कहा इन लोगों इन फिरंगियों को थोड़ा सिखाओ हमारा दानपट्टा कैसे चलता है. तो मज़ा आता था हमें. हाँ उनके साथ रहना पड़ा उनको अपस्टेट न्यूयॉर्क में भी 3-3 दिन घोड़े के साथ, क्योंकि उनको नहला के उनको संभाल के, क्योंकि नहीं तो नहीं आता. कितना भी आप एक्टर हो जो स्मेल हॉर्स और आप एक है, वो घोड़ा नहीं सुनेगा आपका. आप अगर बोले सेट पे घोड़ा लाओ चलो नाउ आई विल डू, वो घोड़ा काटता है. वो इधर का भी घोड़ा सुल्तान काटता था दूसरों को, सुल्ताना देविका के साथ उसका जम गया था. और मोरक्को भी उसको बहुत सुबह 5 बजे घोड़ों के साथ बैठना पड़ता था क्योंकि वो जो बॉन्ड है एनिमल और ह्यूमन का वो इम्पोर्टेंट था. इनकी स्टोरी तो इतनी सुंदर है, डॉक्यूमेंटेड है, पर मैंने माझा प्रवास जो पढ़ के और दूसरे ब्रिटिश जर्नल से उनके एनिमीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ा, सर ह्यू रोज़ उनको बोलती थी ये तो जोन ऑफ आर्क है. तो अच्छा है कि आपके दुश्मन भी आपकी इतनी तारीफ़ करे. तो मैंने वो सब डायलॉग उनके लिए हैं जो उन्होंने सच्ची में बोला था.
तो क्रिएटिविटी जब कोई पिक्चर देखता है बोलता है हाँ ये तो इसने बहुत पेट्रियाटिक फिल्म बनाई है क्योंकि उसने बोला है कि वो जोन ऑफ आर्क है, तो मैंने कहा मैंने नहीं बोला है, ये सर ह्यू रोज ने बोला है, तो उनको मैं कोट्स में डाल दिया है, तब ऑडियंस को मालूम पड़ेगा कि मैंने नहीं ये सब बोला है, ये उधर के ब्रिटिश लोग बोल रहे हैं या जो उनके आर्मी में जो औरतें थी कि यू नो मोतीबाई थी या अनुष्का ने झलकारी बाई दलित का रोल किया, उस टाइम में इनको कोई भेदभाव नहीं देखते थे, उस टाइम में उनके साथ हिंदू थे मुसलमान थे औरतें थी, वो बोल रही थी कि आप अपने आदमियों के साइड पे खड़े रह के हम आगे बढ़ेंगे, तो उसने जो प्रयास किया वही इम्पोर्टेंट है, और उनके लिए कोई फ़र्क नहीं था कि कोई दलित है ना है। अब 1857 में ऐसी औरतें थी, तो हमें सोचना चाहिए कि आज बहुत सोशल मीडिया है और बहुत डिस्कशन है जेंडर ये वो, उस टाइम में ये सब उसको टाइटल्स और पैकेजिंग नहीं था, बट अब आप सब देखिए उसने क्या अचीव किया कि इस यंग औरत ने उस टाइम में भी ये सब किया, तो हैट्स ऑफ ही कैसे कर सकते हैं ना उसके लिए। Lots of things. One thing I learned was that even in her time, her clothing and her fashion was very fashion forward, so to speak. She was always wearing something different, and she tried to wear pants, and she was always looking to be outside the bounds of what her station was, or what was meant to be an Indian queen, what people wanted of her. So I think understanding that and taking that and seeing how someone like that or in court, whenever she used to make a choice or say something, she would have opera singers who would wail in the background because she was very high drama. वो हमने दिखाया नहीं है क्योंकि सब लोग हंस लेते, पर वो रानी जब कुछ बोलती थी उनके लॉयर को कि हमें पैसे नहीं दिए, तो उनके आसपास औरतें थी और वो छाती पीट के रोती थी ऑपरा स्टाइल, और तब अगला सेंटेंस बोलती थी। अब अगर ये मैं दिखाती तो सब बोलते क्या दिखाया, ये होता ही नहीं है, पर वो बहुत ड्रामा करती थी। So that was really interesting to know and to think about, even though we didn't show any of that, just to have in your head saying the kind of person who could do that, what else could she do? What else could जो she say? इवन द डैगर्स द Yeah, खंजीर, the dagger. अरे एमरल्ड चाहिए रूबी चाहिए ये, आई सेड वाओ व्हाट स्टाइल And व्हाट even on फैशन। set, I was wearing these magnificent jewels and gold jewelry and these rings that opened, and inside you could put snuff or poison or whatever you wish to put in there. And so even just having those on me was an incredible experience. Although it was so hot some of the days that the inside of the bangles would burn my skin because it was, 95 degrees, 102 degrees एंड वी that टू day. क्लाइंब अप द फोर्ट शूटिंग के लिए, इतनी बड़ी बड़ी स्टेप्स थी, Oh, एंड what's that in Celsius? I guess 100 degrees Fahrenheit is या भाई 100. तो बहुत गर्मी थी, पर ऊपर जाके 9 यार्ड साड़ी में शूटिंग करो, टाइम यू नो वेस्ट नहीं करना, तो वी टू से अच्छा बाथरूम मत जाओ, शूटिंग करके तब नीचे जाओ फोर्ट के, तो बहुत मज़ेदार इंसिडेंट्स भी हुए। आई थिंक Guns she even played with, which was something I didn't know that she Love to shoot her guns. आई थिंक व्हेन यू प्ले दिस काइंड ऑफ अ रोल एंड इतना बर्डन है आप पे कि आपने करेक्ट दिखाया है कि नहीं, या हैव यू कम अक्रॉस एज अ फ्रिपरी रानी हु इज़ यू नो जस्ट रानी बोलने के लिए, ये तो ऑडियंस देख के जज करेगा, बट थ्रू आउट जो मैं स्थिरता मुझे देखनी थी कि एक्टिंग और कैमरा एज इट इज़ बहुत पिकअप कर लेता है कि यू नो डांस जैसे नहीं है कि ऐसे 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 बात करो, तो दोनों रानी जैसे जोड़ी में और देविका का एक्टिंग स्टाइल बहुत कंट्रोल था और वो मुझे स्टाइल चाहिए था, तो जो भी अमेजिंग इंडियन एक्टर्स मेरे थे ये यतिन कारेकर अजिंक्या मिलिंद गुनाजी,
वो थिएटर भी करते तो उनका भी स्टाइल मैच था, इसलिए मुझे वही स्टाइल के चाहिए थे कि आपने जो पूछा इंडियन ऑडियंस अमेरिकन ऑडियंस, वन ऑफ द मेन डिफरेंसेस इज एक्टिंग स्टाइल, उधर थोड़ा उनको सबड्यूड चाहिए, थोड़ा मैंने उतना आश्चर्य बहुत कम दिखाने का है। तो वो मैंने मेरे इंडियन एक्टर्स को बोला था कि हर एक के लिए आप अब इवन हर हर महादेव, बट उतना हर हर महादेव करके मत बोलिए, पूरा जो स्टाइल है अंदर से इमोशन चाहिए बट लेस शाउटिंग, तो थोड़ा वी हैड टू मॉडिफाई। हम दोनों बहुत ही स्ट्रांग माइंडेड है, आपने देखा है बहुत ही स्ट्रांग माइंडेड है, तो द गुड थिंग इज़ कि इतने साल मैं उनकी गुरु रही हूँ, उनको सिखाया है, पर एट सम पॉइंट, हाँ तो एट सम पॉइंट क्या होता है जब आप टुगेदर यू स्टार्ट वर्किंग, एक दूसरे के लिए जो रिस्पेक्ट ओपिनियंस के लिए है, पहले होता है कि नहीं जो मैं बोल रही हूँ ऐसे ही करना है, देन वेन यू आर डूइंग अ टीम वर्क कि अच्छा चलो क्रिएट करते हैं ये, देन यू लिसन, यू आर्ग्यू, यू से आई डोंट हैव टू अग्री, देन जब मुझे मेरा ही पॉइंट पकड़ना था तो मैं कहती थी नहीं बस यही है मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, तो देन वो तीन चार दिन के बाद बोलती अच्छा फिर अगेन थिंक फ्रॉम दिस एंगल, तो आई टू से स्टॉप गोइंग ऑन एंड ऑल, यू नो तुम अमेरिकन हो तुम्हें नहीं मालूम, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना कि मैं अमेरिकन हूँ तो उनको ये सीन नहीं समझ में आएगा, एज टू से इतने बेवकूफ़ है, एज टू से ऑब्वियस नहीं है, यू वॉन्ट मी टू डम इट डाउन, तो इससे हर चीज़ डम डाउन नहीं, ऐसे ये डम डाउन ही बोल रही हो कि तब मैं हाथ पकड़ के सबको बताओ ऑब्वियस है ना, बोलती नहीं नहीं ऑब्वियस, हमको ये कहानी बाहर लानी है ना, तो थोड़ा तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, देन आई टू से ओके फाइन, यू नो यहाँ भी डाल देते, तब मैं बैठती थी, देन बाद में आई टू से हाँ मे बी योर राइट, बट वही एक जो काम करने के लिए स्ट्रगल था, बट वॉट वॉज द रीज़न वो प्रोजेक्ट पे रखी और आई, क्योंकि आई डिड वॉन्ट दैट अदर ना कि एक ही मेरे साइड से देखते, तो देन इट वॉज मोर इंडियन बिकॉज यही मेरी है सभ्यता, यही मेरी है संस्कृति, और मैं 35 ईयर्स सिखा रही हूँ, पर तभी भी जो उधर जन्म लेके उसी वातावरण में उसी हॉलीवुड में काम कर रहा है तो वो मैं नहीं कर सकूँगी, क्योंकि वो जो उसका दृष्टिकोण है वो अलग हो जाता है, मैं अग्री भी नहीं करूँगी पर आई नीड इट, आई नीड टू हैव दैट इनसाइट, जैसे रानी को ब्रिटिश ऑफिसर से अगर उससे अच्छा बात कर रहा है कोई एलिस तो उसको क्या इंटरेस्ट था उसमें बात करने में, इससे निकालती हूँ कि ब्रिटिश लोग कैसे सोचते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे सोचती है, क्योंकि उसके लिए कहा वो इंटरनेट नहीं है कुछ नहीं है, तो उसको पूछती है आपके लोग कैसे सोचते हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं ये लोग, इतना इतने ख़राब लोग कैसे हो सकते, तो जो भी आदमी मिलेगा अपने को उससे आप पूछ लेते, तो इसीलिए मेरे लिए तो वही था, इनके लिए तो डिफ़िकल्ट होगा ही, किसी को अपने माँ के साथ नहीं काम करना है। No, I think by the end of it, there's so much going on set, and we were lucky enough to have worked on this going into it, that I think we had a lot of other things to deal with on set, so we weren't arguing with each other about anything Never. On set, because we didn't have time. No, though we have to share. Last 3 days, I was fine. Main set pe aise desert pe chali, aur mere actors bole, और आप एकदम डिसअपियर हो गई, तो मैं डिसअपियर ही हो गई क्योंकि मुझे हॉस्पिटल गई, आई वॉज पुट ऑन लाइफ सपोर्ट, और देविका ने लास्ट 3 days शी हैड टू टेक ओवर द डायरेक्टिंग क्योंकि माई लंग्स हैड कोलैप्स्ड, वो डेजर्ट और सब बहुत बीमार पड़ गई, तो ऑलमोस्ट 1 साल में हॉस्पिटल में थी और 3 दिन ICU में, तो आपने बोला डिफ़िकल्ट था, आई मीन I was not meant to make it, so we have made it. But I wouldn't have been able to do that if I hadn't known exactly what those scenes were going to be like, and if we hadn't had conversations about that earlier. And so that's why it was so important that we worked on this for so long, because I knew exactly what the plan was. Every detail, because first AD Terry Bamber was amazing, and he's a delight to work with. Itne acche unhone 101 Dalmatians kiye. But
वाई देविका, जब मैं अगर 3 दिन नहीं डायरेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि उसको पूरा मालूम था, एवरी सीन मैंने ड्रॉ आउट हम लोगों ने पिक्चर बुक की थी, एंड आई कुड ट्रस्ट हर टू कम्प्लीट द सेम पाथ और विजन. तो मैंने कहा भी कि आई सेड वो हिंदी मूवी डायलॉग जैसे यू नो फिल्म ये ख़त्म करो यू नो, तो वी फिनिश्ड एंड उसके बाद वी गॉट इट आउट ना. I have done a lot of these very sad, tragic films. actually, yes, all of the stuff that's currently coming out of mine is very serious drama subject matter. I would love to do a comedy. I'd love to make people laugh instead of cry all the time. So that's me. I think you have a different... yeah, I've written 3-4 scripts. Maine likhe hain. एक तो मैंने इसके पहले भी लिखा था ऑन अनीता डेलगाडो, जो कपूरथला की क्वीन थी, स्पेनिश फ्लेमिंको डांसर, और रखा है. पर जो मुझे एक्चुअली बनाना है अगली वाली, मैंने मेरे ही सब्जेक्ट्स के आसपास घूमती हूँ, और वो है देवदासीज पे. तो सर्वेंट्स ऑफ द गॉड्स, ये मैंने स्क्रिप्ट लिखा है. एंड आई ऑल्सो वी बोथ लव एनिमल्स, तो हम लोग कुत्तों पे भी पिक्चर बनाने का पूरा स्क्रिप्ट लिखा है. हमारे अपने 5 कुत्ते. जब उसको टाइम मिला, यू नो शी इज़ गॉट अदर प्रोजेक्ट्स, तो अपनी घर के जो अच्छे टैलेंट है उसको एक्सप्लॉयट करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यू कैन डिपेंड ऑन इट. कुछ भी है ना, वो शेल्व नहीं कर सकते. तो एक मुझे ईज था कि कुछ भी है, रात को 2-3 बजे काम होगा. ज़रूर पिक्चर देखिए. प्रमोट और सपोर्ट सिर्फ नहीं है मुझे, आई एम श्योर ऑडियंसेस को इसमें जो दिखेगा उनको रानी के बारे में और मालूम जानकारी होगी. और दूसरा, सोचिए हमारी इंडियन कहानियाँ बाहर विदेशों में कैसे जाए, और वो भी हमारी हेरिटेज और विथ प्राइड. बहुत कहानियाँ हैं और हमारे देश में बहुत भिखारी हैं, पर भिखारी है पर हमारी सौंदर्य का भी बहुत बाहर प्रचार करना चाहिए. तो बैलेंस चाहिए मुझे, उतना ही बताना है. और जितना वो लोग दूसरा शेयर करेंगे और बोलेंगे कि आइए हमारी वॉरियर क्वीन को देखिए, उतना ही दूसरे देशों में नाम रानी झांसी का भी फैलेगा, और इंग्लिश लोगों को मालूम पड़ेगा कि कंटेंट इंडिया से बहुत है. ऐसी बहुत कहानियाँ हैं और उतना ही शेयर करने को मिलेगा. इतना ही मैसेज है. थैंक यू. नमस्कार.